दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए 8 जून की तारीख कुछ ठीक नहीं रही। देश भर में घूमकर इस वक्त केजरीवाल अपने पक्ष में माहौल बना तो रहे हैं, लेकिन अपने ही घर में दिल्ली में केजरीवाल की क्लास लग गई। साथ ही वो बीजेपी नेताओं के बीच घिरे हुए भी नजर आए। हालांकि कई वीडियो इस घटना से जुड़ी हुई वायरल भी हुई है, लेकिन अब एक वीडियो सामने आई है जिसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, और वो है दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना के केजरीवाल को आईना दिखाते हुए। पूर्वी दिल्ली के इस कैंपस को तैयार करने में कितना खर्च हुआ है उसका हिसाब LG साहब ने दिया। LG साहब ने ये बात भी बताई कि कब इसका प्लान आया था और कैसे कैसे इसमें पैसे लगे। इस कैंपस को बनाने की कल्पना की और उसके बाद 14 दिसंबर 2014 तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने इस कैंपस की जो सबसे बड़ी खासियत है, जिसके बारे में कभी किसी ने यहां नहीं बोला, इस कैंपस की कॉस्ट लगभग 378 करोड़ रुपए है। 378 करोड़ रुपए की लागत से यह कैंपस बना है। बहुत खूबसूरत है और इस 378 करोड़ में 346 करोड़ का खर्चा इस यूनिवर्सिटी ने अपने पॉकेट से। ये अपने में काल है उसको दिल्ली सरकार ने लगभग 45 करोड़ रुपए 2014 में जो सेंक्शन किया था वो भी। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के इस कैंपस के बनने का सारा श्रेय लेने की फिराक में दिल्ली की सरकार थी, लेकिन LG साहब ने सारा बना बनाया माहौल खराब कर दिया और फैक्ट्स जनता के सामने रख दिए। दरअसल 8 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहीं पर दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना, पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर और विश्वास नगर से बीजेपी विधायक OP शर्मा भी मौजूद थे। पहले तो केजरीवाल को उद्घाटन के वक्त LG साहब ने किनारे कर दिया था, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। आप वो वीडियो देखें। इसके बाद जब केजरीवाल अंदर ऑडिटोरियम में भाषण देने गए तो वहां पर भी मोदी मोदी के नारे लगे। फिर केजरीवाल समर्थकों ने भी मोर्चा संभाला और केजरीवाल के भाषण में अच्छा खासा खलल हुआ। भाषण को रोककर केजरीवाल ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे 5 मिनट बोल लेने दीजिए, इसके बाद अगर मेरी बात ठीक ना लगे तो नारे लगाना। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई होती। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पार्टी वालों से भी और इस पार्टी वालों से भी, दोनों पार्टी वालों से निवेदन है, मेरी 5 मिनट बात सुन लो, नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा लेना। एक बारी बोल तो इसको मैं, अगर आप इजाजत दें मैं 5 मिनट बोल लेता हूं और 5 मिनट में अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मेरी बात छोड़ जाना। काफी नोकझोंक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना भाषण पूरा किया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।